लाइट कैमरा एक्शन। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरे दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों, क्रिंज एमसी स्टैन को सेलिब्रिटी समझने वाले मेरे दोस्तों के दोस्तों, सलमान खान की मूवी विदाउट ब्रेक देखने वाले मेरे दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों, बिग बॉस शो देखने के बाद बिना डिस्प्रिन खा के सो जाने वाले मेरे दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिग बॉस के बारे में। हालांकि वैसे करनी तो नहीं चाहिए थी, इतना वाहियात शो, ब्रह्मांड का सबसे वाहियात शो, जिसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था, बट पब्लिक डिमांड है यार, करना तो पड़ेगा। तो दोस्तों, थोड़े दिन पहले आपको पता ही होगा पुनीत सुपरस्टार। लेकिन मैं सारी बातों से पहले यार, मैं एक बात आप लोगों को ये पूछना चाहता हूं, क्या सलमान खान को पैरालाइज हुआ है क्या? नहीं, मैंने उसका एक एपिसोड देखा था जिसमें पुनीत सुपरस्टार वाला जो एपिसोड था, जो ग्रैंड एंट्री वाला एपिसोड था, मैंने देखा पूरे पूरे शो में वो ऐसे बात कर रहा था, रियलिटी है, रिपीट मोड में चल रहे हो, थोड़े से बाहर निकाल दिए जाओगे, आपकी गर्लफ्रेंड, ये देखो ये देखो। ऐसी बात करते बात को रही तो कभी नहीं। देख रहे हो, पूरे शो के दौरान इस बंदे के हाथ अंदर थे जेब में, जेब से हाथ बाहर नहीं निकले कि कहीं हिलाना ना पड़ जाए, ऊपर नीचे जाए ना जाए, पता नहीं क्या चक्कर था ये भाई। और पूरे टाइम इसका शुरू ऐसे 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 चल रहा था, तो मुझे कहीं से डाउट हुआ कि यार इसको कहीं पैरालाइज वैरालाइज तो कुछ तो बीमारी ने घेर, कुछ तो बीमारी ने घेरा है। दोस्तों रिसर्च करो इसके ऊपर। मैंने पूरा शो ये ग्रैंड एंट्री वाला बीच बीच में तोड़ तोड़ के देखा, फुकरा इंसान की एंट्री मैंने देखी और सिर्फ मैंने पुनीत सुपरस्टार की एंट्री देखी बस खाली। तो मेरे को लगा कि हाँ इसको कुछ तो भी हुआ है, कुछ तो हुआ है इसको, कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस इंसान के साथ। और ये बंदा अपनी हाइट को लेके इतना ज्यादा खौफ में रहता है भाई, ये नाटा है। तो फुकरा इंसान जब आया, फुकरा इंसान की हाइट आई गई 6 फुट तो है भाई, ये इसने उसको इतनी दूर कर दिया अपने से, ऐसे इतनी दूर कर दिया क्योंकि इसको ऐसे देखना पड़ रहा था, फुकरा इंसान को यूं देखना पड़ रहा था ऊपर। इसने कहा भाई तू दूर जाके खड़ा हो जा, मैं नाटा लग रहा हूं तेरे सामने, तो तू दूर जाके खड़ा हो जा। इसने फुकरा इंसान को दूर कर दिया, आप कभी दोबारा से देखना फुकरा इंसान को, इसने इतनी दूर खड़ा कर रखा ताकि ऐसे देख सके उसको। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर। भाई पुनीत सुपरस्टार की एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद ये बंदे एंट्री से तुरंत बाद क्या बोलता है देखिए। रिपीट मोड में चल रहे हो भाई, बोल कौन रहा है रिपीट मोड में चल रहे हो? जो बंदा पिछले 25 साल से, 25 साल के मुझे लग रहा है अगर पिछले जन्म में भी एक्टर रहा होगा तो शायद ये बंदा सेम ही एक्टिंग कर रहा होगा हर मूवी में, हर मूवी में ये बंदा पिछले इतने सालों से, जब से ये बंदा आया सेम एक्टिंग करे जा रहा है। इस बंदे ने कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं करा है, सेम पेले जा रहा है इतने सालों से, और ये बोल रहा है रिपीट मोड में चल रहे। अबे तू तो बात ही मत कर रिपीट मोड में चलने की, पूरी जीवन बीत गया इस आदमी को, बेल बॉटम पैंट पहने और हाथ में जेब डाले, जेब में हाथ डाले हुए, हाथ में जेब डाले, जेब में हाथ डाले हुए, यूं 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 खपचिए निकाल के चलते हुए, हर मूवी में शटर निकाल के फेंक देना। आजकल तो VFX से एप्स भी दिखाने लग गए जो कि इनके रहे नहीं, अब पेट निकला हुआ हर किसी को पता चलता है, पेट निकला हुआ कपड़ों में दिख जाता है, शर्ट निकालते हैं लेकिन एब्स कैसे दिख जाते हैं आप समझ ही सकते हो, VFX की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरा, ऐसी बात करते हो? हाँ जी सर, मैं ऐसी बात करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात कर रही है तो कभी नहीं बनेगी, गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, ऐसी हरकतें रहेंगी तो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। अरे भाई वो रियल है उस बंदे का, कभी DM खोल के चेक कर लियो, मेरा भी चेक कर लियो कभी फुर्सत मिले तो। भाई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, अबे इनकी जैकलिन फर्नांडिस जिसको, ये भाई साहब पूरे कोविड के दौरान लोनावला में लेके पड़े हुए थे, सुकेश चंद्रशेखर इंडिया का सबसे बड़ा कॉनमैन गूगल करके देख लेना भाई साहब, उसकी गर्लफ्रेंड रही है जैकलिन, नोरा फतेही उसकी गर्लफ्रेंड रही है। और जैकलिन का तो पूछो ही मत, इतना बुरा हाल है, वो तो साजिद खान, सुअर से भद्दी शक्ल का अगर कोई है तो वो साजिद खान है, उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। 10-15 करोड़ फेंक के मार दो, कोई भी लड़की आ जाती है बॉलीवुड की, उनको सिर्फ पैसा दिखता है और कुछ कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना ही ना है किसी को भी। तुम 15 करोड़ लाल ले जाओ, प्रोड्यूसर बन के चले जाओ, किसी को भी मूवी में साइन करने चले जाओ, लड़के तय भाई बॉलीवुड की तय, बॉलीवुड का कोई दीनी मान नहीं है। और ये आदमी जो इतने सालों से बेल बॉटम पहन रहा, पैर के यहाँ साइड में मोहरी बढ़वाने के लिए यार कपड़ा लगवा देता है अलग से यार,
इतने मोटे मोटे, वो 25 साल पहले एक मोची से इसने जूते बनवाए थे, उसी को ठुकवा ठुकवा के दोबारा नाले लगवा लगवा के ये पहने जा रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, बताओ यार किसकी नहीं बनेगी? जब इसकी बन सकती है तो किसी की भी बन सकती है, और टिकी इसकी एक नहीं है, वो अलग बात है, मलेगा तो यार सिंगल ही, मैं कुछ और कहने वाला था, मलेगा तो सिंगल ही कर। दूसरा सेगमेंट, तीसरा सॉरी, तुम्हारे कंटेंट को भाई ने क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती है, या कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इस पे नहीं क्या? क्रिंज लाला तेरे कमेंट को ना, जो पब्लिक क्रिंज बोलती है, बोल कौन रहा है? क्रिंज का सरताज ये लौंडा अपने 1-3 मिनट के गाने में 250 गाली बक देता, अगर इसके गाने में से गालियां हटा दी जाए तो कुछ ने मैं बाजती का हवाई जवाल बक। भाई ये बस्ती का हस्ती ही ठीक है, ये इंडिया की हस्ती मत बनाओ, इस नमूने को, इस आइटम को मत बनाओ, सिंगल पसली खत्म बिल्कुल। ये ऐसे ऐसे वो हमारा देश है सेलिब्रिटी बना देता है, जो खुद इतना क्रिंज होते हुए खुद दुनिया जहां की गाली बकते हुए अपनी सुपरस्टार को करे कि तेरा कंटेंट क्रिंज है लाला। अबे ये क्रिंज की दुकान, ये शो साला पूरा क्रिंज, इसमें फेक लड़ाइयां, फेक गालियां, ये इतना ज्यादा स्क्रिप्टेड शो है, मतलब ये वैसे मैं बता दूं ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये स्क्रिप्टेड शो है। पुनीत का जो भी वो एक दिन के अंदर करा धराया था वो सब स्क्रिप्टेड था, उसने ज्यादा कर दिया वो अलग बात है, उसने भाई भाई उसको तो एंड नहीं पता, तुम उसको स्टार्ट कर सकते हो एंड नहीं कर सकते हो पुनीत को, और वो वैसे ही ऑन रहता है हमेशा, तो तुमने उसको ऑन तो कर दिया लेकिन ऑफ कैसे करा जाए वो तुमको पता नहीं है, तो उसने 24 घंटे में वाट लगा दी भाई साहब की, फेंकना है फेंको बाहर, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं जीना हराम कर दूंगा सबका अगर मुझे शो पे रखा तो उसको कर दिया भाई। चलो बढ़ते दूसरे की तरफ, ये लौंडा, ये आदमी कौन है भाई? ये सस्ती चीप थर्ड क्लास क्वालिटी रामलीला में कोई ऐसी विग नहीं लगाता जैसी ये लगा के आ गया भाई, मुझे तो इसका नाम भी सर्च नहीं कर रहा है, कौन है आइटम ये, भगाओ इसको, ये जज बना रखा, बताओ ये 5-6 लोग कौन थे यार? ये एक ये ट्रिपल एक्स से निकल गया सन्नी लियोनी, ये सीधी ट्रिपल एक्स से निकाल के इसको यहाँ लिया, इसका आज भी प्रोडक्शन हाउस चलता है पॉन फिल्मों का, आपको पता नहीं, इसने छोड़ा नहीं है कुछ भी बॉलीवुड का, इसको पता था यार 4 दिन का काम है उसके बाद कोई काम मिलना नहीं है, और बॉलीवुड वाले देखो यार पॉन स्टार को पकड़ के ले आते हैं, एक्ट्रेस बना देते, जो बॉम्बे में इतनी ज्यादा लड़कियां स्ट्रगल कर रही है उनको काम नहीं देंगे, एक पॉन स्टार को उठा के काम दे देंगे, क्योंकि उनको पता इंडिया की ऑडियंस को देखना यही है, सबसे बड़ी गलती तो ऑडियंस की ना, क्यों देख रहे हो तुम ऐसा क्रिंज शो, क्यों देखते हो रात रात भर रिपीट मोड उठा उठा के देख रहे हैं लोग बिग बॉस की, टीआरपी ऐसी, तभी तो ये लोग बार 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 एपिसोड बना रहे हैं। सन्नी लियोनी को जब ये लेके आए थे तो तुम्हारे को मता नहीं टीआरपी कितनी तगड़ी थी, तो गलती तो सारी ऑडियंस की है ना यार। मैं भी सलमान खान की तरह बात करूँ, सारे एपिसोड में सलमान ट्रिपल एक्स सारी इसको उठा के ले आए, क्या हो गया पता नहीं, तो भाई सन्नी लियोनी को इसको जज बना दिया, पॉर्न स्टार को जज बना रखा इन्होंने, ये तो लेवल है शो का। उसके बाद एक ये अजय जडेजा, एक हमारे सर रविंद्र जडेजा हैं जिन्होंने इंडिया का नाम कहां से कहां पहुंचा दिया भाई साहब, क्या प्लेयर, आई लव यू सर रविंद्र जडेजा जी, आई लव यू सर। एक ये जडेजा है, एग्जाम्पल दे रहा है सचिन तेंदुलकर के, 10 नंबर जुड़ा हुआ है, अरे भाई साहब वो गॉड ऑफ क्रिकेट है भाई, तुम्हारा तो मुंह से नाम भी अच्छा नहीं लगता, तुम साले मैच फिक्सिंग के गॉड हो तुम और अजरुद्दीन, पूरी दुनिया जानती है, मैं आने वाली जनरेशन को, ये जो जनरेशन अभी करंट में, इनको बता देता हूं, ये बंदा और अजरुद्दीन, मोहम्मद अजरुद्दीन और एक और वो श्री संत भी था, ये और भी 2-4 प्लेयर है लेकिन ये ज्यादा हाईलाइट में थे। अजय जडेजा की बात करूंगा क्योंकि भाई साहब यही ज्यादा उछल रहा है, 10 नंबर पे पहुंचा दिया इसने पुनीत सुपरस्टार को, जो सेकंड नंबर पे था 1,35,000 पे, इसने 20,000 पे ले आया उसको। सचिन तेंदुलकर ने इतने रन नहीं बनाए जितने आपने वीडियोस बना दिए, तो ये जो आपको रैंकिंग मिली है, हमारी जो जनता की आवाज है उनकी, उनका मानना ये है कि इस रैंकिंग से आपको वो नंबर दिया जाए जो तेंदुलकर के साथ जुड़ा रहे, तो 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज में आपको रखने की। अरे तू है कौन भाई, तू खुद तो मैच फिक्सिंग कर रहा, तेरी औकात क्या, तेरे को बनाया क्यों है जज, मेरे को तो समझ नहीं आया। और जब बोल रहे हो कि ऑडियंस ऑडियंस ऑडियंस, जनता करेगी फैसला, जनता जनता ने तो अपना फैसला करके बना दिया ना दूसरे नंबर पे, तो रहने दो ना जिसको जो नंबर बनाया है, ये खामा खाई उछल रहा बेमतलब में। सचिन तेंदुलकर के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है वो तेरे को दे रहे क्यों, विराट कोहली का दे देता 18 नंबर तुम्हारे पास थे ही नहीं, वरना तुम 18 भी दे देते, एक नंबर क्यों नहीं दिया, 2 नंबर क्यों नहीं दिया भाई। उस बंदे की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी, चिड़ हो गई इन लोगों को, जलन हो गई कि साले इस बंदे को यूट्यूबर को इतनी ऊपर पहुंचा रखा, फुकरा इंसान को नंबर एक पे, भाई इनकी फैन फॉलोइंग है, पब्लिक जानते, तुमको जानता कौन है आज की डेट में, तुम्हें देखता कौन है, मैं कसम से बता रहा हूं, आप आज की ऑडियंस से उठा के देख लो, इनमें से शायद 2-4 लोग एमसी स्टैन को पहचाने तो पहचाने, वरना इनमें से किसी को भी नहीं पहचानते। सबसे लास्ट में आते ही अंकल, ये सच बताऊं ये तो मुझे भी नहीं पता ये कौन है अंकल। एंड
एटैक मोमेंट में आप सवाल सुनेंगे हाँ सर आप ये समझ रहे हैं कि आपके साथ में कंटेस्ट नहीं नहीं सर लाइन मत पार कीजिए इतनी जल्दी में मत रहिए सवाल पूरा सुनिए तो आपके अंदर कमी कहाँ रह गई उग्रा बनने की या इंसान बनने मैंने भी नहीं देखा और ये कहीं दिखे भी नहीं ये कह रहे फुकरा इंसान को कि नकली हवा भरी है अंकल जी आपकी तो असली भी निकल चुकी है आपके अंदर तो कोई बचा ही नहीं है बादाम बादाम खाओ थोड़ा एक आध चम्मच घी खाया करो थोड़ी सेहत बने आपकी कैसे हो रखे हो यार जिनकी असली हवा है उनको आपको लग रहा है उनमें नकली हवा भरी हुई नकली अरे भैया उसकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है नंबर एक पे है वो क्यों नहीं होगी उसमें हवा बिल्कुल होगी ये नकली हवा है नकली सर जिया पब्लिक पसंद करती है उस इंसान को ये अंकल जी सीरियस इतने इतने डेड सीरियस अबे इतने सीरियस तो आईसीयू में भी नहीं मिलते लोग इतने डेड सीरियस हो रखे जैसे इनके बहू भाग गई हो इन्हीं के खास यार के संग धोखे से जैसा वैसा मुरझाया हुआ मुंह रखा इनका क्यों क्या हो गया अंकल मुस्कुरा लो जिंदगी में थोड़ा सा ये मुसलमान खान भाई साहब कब से लगा रखा इनको इसी शो का जज कह रहा हूं यार इनको एंकर पता नहीं भाई साहब ढीला बिल्कुल ये वाले एपिसोड में तो मैंने बिल्कुल खत्म डेड हो रखा कुछ तो हुआ मैं बता रहा हूँ कुछ हुआ इतना डेड नहीं देखा मैंने कभी ये आदमी उछलता कुत्ता फिर भी कभी कभार देखा इतना डेड नहीं देखा पूरे शो में इसके जेब से हाथ बाहर निकले ही नहीं पता नहीं भाई क्या हो गया आजकल तो मुझे लग रहा सो भी ये जिम में हाथ डाल के रहा होगा तो गुरु पुनीत सुपरस्टार की सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि पुनीत सुपरस्टार की रीएंट्री होगी या नहीं होगी देखो दोस्तों रीएंट्री उसकी एक ही कंडीशन पे होगी जिस हिसाब से जो वो पैसे मांगेगा तो रीएंट्री होगी उसको मनाया तो जा रहा है आगे हो सकता है उसको शायद स्क्रिप्ट भी दी जाए क्योंकि अगर उसे खुला छोड़ दिया गया ना तो भाई साहब वो पूरा शो खा जाएगा वो नींद नजर आने देगा किसी एक आइटम को भी किसी को भी नींद नजर आने देगा वो अच्छा एक का और मैंने छोड़ दिया था पूजा भट्ट जजेस पैनल में जो है पूजा भट्ट थोड़ी देर पहले हमने जज पैनल में देखा फिर बाद में कंटेस्टेंट में देखा उसको समझ ही नहीं आ रहा जज है कि कंटेस्टेंट है 90s की फ्लॉप एक्ट्रेस रही उसके बाद डायरेक्शन में आई डायरेक्शन में नहीं चली पता नहीं 10-20 साल बाद उठा के इसको बिग बॉस में डाल दे भाई तुम्हारे पास इतना पैसा फेम सब कुछ तुम्हारे अब्बा तो आज भी काम कर ही रहे तुम्हारी बहन भी काम कर रही आलिया भट्ट तुम उसको लेकर फिल्म बना लो तुमको क्या जरूरत पड़ गई बिग बॉस में आने की सीधी सी बात है क्या जरूरत पड़ गई बट एनीवेज भैया आ गए कोई बात नहीं जाने दो तो भाई पुनीत सुपरस्टार को अच्छा दूसरा पॉइंट पुनीत सुपरस्टार अगर बिग बॉस में आता है तो अगर उसको खुला छोड़ दिया जाता है मैं बता रहा था वो पूरा शो खा जाएगा वो छोड़ेगा नहीं किसी को भी इसलिए हो सकता है उसको ना ले क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट भी इनके लिए जरूरी है चाहे टीआरपी तो बहुत टॉप पे चली जाएगी ये तो मैं मानता हूं आप भी ये बात मोड़े कि नहीं मोड़े मुझे कमेंट में बताना कि आप ये बात मोड़े टीआरपी बहुत टॉप चली जाएगी पब्लिक दोबारा से जियो सिनेमा डाउनलोड कर लेगी और पुनीत सुपरस्टार को हर कोई देखना चाहता है लेकिन सिर्फ उसको ही देखना चाहते हैं तो मैं सही बताऊं कोई किसी दूसरे इंसान को देखना नहीं चाहता भाई गिने चुने दो चार लोग अगर रह गए हो ना जो देख रहे होंगे वो शायद फुकरा इंसान की वजह से देख रहे हो क्योंकि उसकी भी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है नंबर वन पे था भाई वो तो शायद उसकी वजह से देख रहे हो तो देख रहे हो वरना अंदर जाके वैसे खास कुछ वो एंटरटेन कर नहीं रहा है स्क्रिप्टेड लड़ रहा है जो भी लड़ रहा है वो स्क्रिप्टेड लड़ रहा है उस शो में है नहीं रियलिटी जो है जो एंटरटेनमेंट जो कर रहा था एक्चुअल में वो पुनीत कर रहा था क्योंकि जैसा वो बाहर है वैसा ही वो अंदर था उसी तरीके का एंटरटेनमेंट वो अंदर भी कर रहा था फुकरा इंसान बाहर क्या करता है टास्क देता है जो भी करता है अंदर वो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है चारों साइड तुम्हारे कैमरे लगे हो तुम अंदर जीने गए हो पब्लिक को एंटरटेन करने गए हो ऐसा फालतू का लड़के कोई एंटरटेन होने वाला नहीं कि तेरी औकात ये मेरी औकात ये मैं ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है ये तुम एक बार बोल सकते हो 10 बार नहीं बोल सकते हो बिग बॉस के शो में जबरदस्ती लड़ने के लिए बोला जाता है ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2 बार आ चुका ऑफर दोनों बार रिजेक्ट हो कर दिया गया क्योंकि मेरी कंडीशन थोड़े से और भी कुछ ज्यादा थे लेकिन अगर अब की बार चांस मिला कसम से बता रहा हूँ स्टेज पे जाके सबको रोस्ट मारूंगा क्योंकि देखो मेरा तो काम ही यही मैं तो स्टेज पे जाऊंगा सबको रोस्ट मैं तो पहले बोल दूंगा भैया 2 मिनट मुझे रोस्ट मार रहा तो इन सबको पहले रोस्ट मारूंगा फिर अंदर जाऊंगा तो देखते हैं भाई मेरी कंडीशन उस टाइम पे अलग थी पैसे भी बहुत कम दे रहे थे उस टाइम पे थोड़ी ज्यादा की डिमांड थी तो जो भी था मैं तो जाता तो भाई मैं भी शायद यही सब करके आता मैं भी उनकी फीत उतार के आता जाता तो दोबारा मिलेगा तो जरूर जाऊंगा और पुनीत सुपरस्टार का दोबारा से मैं बता देता हूं देखो गाइस अभी 50-50% चांसेस है जाएगा नहीं जाएगा जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं जो बोल रहे हैं वो तो जाएगा उसकी रीएंट्री हो रही है ऐसा कुछ नहीं है 50-50% चांसेस है जाने ना जाने के अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है जितने भी लोग हैं सब जो बोल रहे हैं तो उनको मैं बता दूं सो आप लोगों को अगर ज्यादा नॉलेज हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर जहां तक मेरी नॉलेज थी मैंने आप लोगों को बताया बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो लोगों तक शेयर जरूर करना खास करके मेरे दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों तक तो वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए ही चाहिए थैंक यू सो मच ओम नमः शिवाय